कभी हेमंत बाबू ने कभी, आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन के नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। यही तो लड़ाई लड़ा है वहां, हमारा पूर्वजों भी इसी तरह से झारखंड में लड़ाई लड़ा है। इसलिए आज यहां से पूरा भारत में संदेश जाएगा, हम सब एक है, ऐसा तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा विचार को हम लोग झार या प्रदेश में या देश में हम लोग किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। ये सोच करके हम लोग को आज संकल्प लेने का दिन है, और इसी चुनाव में वोट का माध्यम से हम लोग देंगे। जिस तरह से आज केजरीवाल, उसका नाम नहीं है, किसी का बोल दिया उसका इसमें शामिल है, गिरफ्तार कर दिया, जो न्याय की रास्ता में जाते हैं उसी तरह बाधा विघ्न पहुंचा है। इसलिए हम लोग घबराते नहीं आए, संघर्ष का उपज है। हम लोग भारत देश में किस तरह से लोकतंत्र बचेगा, किस तरह से प्रदेश का मान सम्मान बचेगा, उसका लिए हम सब एक है। अरे तानाशाही हम लोग समाप्त करेंगे और लोकतंत्र को बचा के रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।